ये लीजिए भैया। कितने पे उनका? 510 रुपये। कोई बात नहीं भैया, जितने भी है ना, अपनी श्रद्धा के हिसाब से इस दान पात्र में डाल दीजिए। भैया मेरी तनख्वाह हो जाती तो? अगर अगले हफ्ते दे दूं तो चलेगा? वो तो कोई बात नहीं भैया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता आप मेरी तनख्वाह दे पाओगे। हाँ जी कुलजीत जी, 6 तारीख हो गई है, आज भी लगता है खाली हाथ ही भेजेंगे आप मुझे। थोड़ा टाइम और मिल जाता तो यार। एक तो आपकी मोहलत खत्म नहीं होती, बाकी सारे दुकानदार टाइम से किराया दे देते हैं, आपसे बार बार मांगना पड़ता है मुझे। 3-4 दिन का टाइम और दे दीजिए। देखिए टाइम वाइम तो मैं देने नहीं वाला, कल तक मुझे मेरा सारा किराया चाहिए। ए भगवान कुछ करवा दो। भैया ये कुछ दवाइयाँ दे देना। ये लीजिए। कितने रुपए हुए भैया? भैया हो तो 800 गए हैं, लेकिन जितनी आपकी श्रद्धा हो दान पात्र में डाल दीजिए। हाँ जी कुलजीत जी, आज तो पेमेंट चाहिए ही चाहिए मेरे को। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये लीजिए ना। क्या बात है, अरे जब पैसे देने ही होते हैं तो हर महीने टाइम से दे दिया करो ना, इतने नखरे क्यों करते हो। चलो धन्यवाद। थैंक यू। कैसे था? ये लो तुम्हारी तनख्वाह, लो और ये भी लो तुम्हारी खर्ची के लिए, लो लो। ये लो, कल जाके इसको बैंक में वापस जमा करवा देना। क्या सर आप भी खुद के पैसे खुद ही देते हो और खुद ही ले लेते हो, आपका भी कुछ समझ में नहीं आता सर। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि ये जो कुलजीत जी है ना, बहुत अच्छे इंसान हैं। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते और उनको दवाइयों की ज़रूरत होती है, उन लोगों को ये मुफ्त में भी दवाई दे देते हैं। तो ऐसे अच्छे इंसान की मदद करना तो बनता है ना। तो सर आप उनको इतना सुनाते क्यों? वो तो मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है, आखिर लैंडलॉर्ड हूँ तो थोड़ा सा रुबाब रखना पड़ता है। और ये कुलजीत जी जितने अच्छे इंसान हैं उतने ही खुदगर्ज भी हैं, तो अगर मैं इनको सीधे सीधे जाकर पैसे दे देता तो शायद ये मुझसे नहीं लेते। इस तरह से इनकी मदद भी हो गई और इनको पता भी नहीं चला, और साथ साथ मेरे हाथों से भी पुण्य हो गया।